नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल में और साथ ही हमारे आज के स्पेशल प्रोग्राम में, जहां आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूं एक बार फिर से सोनाली बेंद्रे के बारे में। फिल्म इंडस्ट्री की एक बेहतरीन अदाकारा जिसने ना जाने कितनी बेहतरीन फिल्में फिल्म इंडस्ट्री को दी हैं। एक ऐसी अदाकारा जिनके कैंसर की खबर सामने आई और इस खबर ने सभी को हैरत में डाल दिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक तो सोनाली की कुछ जो खबरें वायरल हो रही हैं, इन खबरों में कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो कि अच्छी नहीं है। तमाम फैंस दुआएं कर रहे हैं सोनाली बेंद्रे के ठीक होने को लेकर, उनके कैंसर को ठीक होने को लेकर, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सोनाली बेंद्रे को ना जाने कैसी कैसी बातें कह रहे हैं। इन बातों में आज आप देखने वाले हैं कि कैसे एक कमेंट किया गया काफी लंबा चौड़ा, जहां सोनाली के ब्लैक बग केस को भी फिर से ला दिया उन्होंने इसी कैंसर से जोड़कर, और इसके अलावा क्या था ये कमेंट आप हमारी आज के इस खास रिपोर्ट में जानेंगे। इसके अलावा आप ये भी जानेंगे कि कैसे बद्दुआ भी मिल गई सोनाली को इन दुआओं के बीच। लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ उन प्यारे प्यारे व्यूअर्स की, जो कि प्यारे प्यारे फैंस की, जो कि सिर्फ और सिर्फ सोनाली बेंद्रे के लिए दुआएं कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में आप सोनाली से ही जुड़ी खबरें देखने वाले हैं, जहां इसी बीच आप ये भी देखेंगे कि आखिर सोनाली बेंद्रे से जुड़ी एक काफी शॉकिंग खबर ये भी सामने आई, जो कि ड्रिंक करने की खबर थी। इस खबर के पीछे का भी पूरा सच मैं आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए बताऊंगा ही। तो डालिए नजर हमारे इन खास रिपोर्ट्स पर और जानिए अब क्या कुछ है सोनाली बेंद्रे से जुड़ा, जो कि इन दिनों बॉलीवुड गलियारों में लगातार वायरल हो रहा है। कैंसर एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसके बारे में सुन किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। ये बीमारी जितनी सुनने में भयानक लगती है, असल में उससे भी कहीं ज्यादा भयानक है। ना जाने कितनी जाने इस बीमारी ने ली हैं, और इसी बीच बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे भी एक ऐसी ही बीमारी से ग्रस्त हुई। सोनाली काफ़ी फिट एक्ट्रेसेस में से एक रही हैं, और जैसे ही उनके हाई ग्रेड कैंसर की खबर सामने आई तो इस खबर ने सभी को बेहद ज़्यादा ही चौंका कर रख दिया, हैरत में डाल दिया। खैर, तमाम लोग सोनाली के ठीक होने के लिए दुआएं कर रहे हैं, लेकिन इन दुआओं के बीच एक ऐसी दुआ आई जो कि किसी बददुआ से कम नहीं लग रही थी। जी हाँ, ये कमेंट किया गया था किसी इंस्टा अकाउंट के द्वारा, और कमेंट किया गया, नेचर हैज़ इट्स ओन वे ऑफ गिविंग पनिशमेंट्स, इट्स नेचर्स वे ऑफ लेटिंग यू रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट लाइफ इज, यू पीपल किलिंग ब्लैक बग फॉर फन, आई विश यू स्पीडी रिकवरी एंड आफ्टर दैट यू विल हैव मोर सॉफ्ट कॉर्नर फॉर एवरी लविंग क्रिएचर ऑन दिस अर्थ, स्टे स्ट्रॉन्ग। जी हाँ, ये जो कमेंट किया गया था एक इंस्टाग्राम अकाउंट द्वारा, इस कमेंट में उन्होंने ये सबसे पहले मेंशन किया कि नेचर का एक अपना ही तरीका होता है पनिशमेंट देने का। जी हाँ, और साथ ही उन्होंने ये भी कमेंट कर दिया था कि ये तुम्हें रियलाइज़ कराएगा कि तुमने जो ब्लैक बक को मारा था उस पर तुम्हें भी अब रियलाइज़ होगा। दरअसल आपको याद दिलाना चाहेंगे कि सलमान खान के साथ हम साथ साथ हैं कि जब शूटिंग कर रही थी सोनाली बेंद्रे, तो उस दौरान एक काला हिरण शिकार का मामला आया था, जिस मामले में हम साथ साथ हैं कि बाकी टीम तो जो उनके साथ लोग मौजूद थे, सलमान के साथ बाकी स्टार कास्ट तो बरी हो गई थी, लेकिन सलमान खान के ऊपर खतरे की घंटी मंडरा रही है। और अब भी तो वहीं इसी कमेंट करने वाले ने इशारा कर दिया उसी तरफ, लेकिन आगे इन्होंने ये ज़रूर कहा कि विश यू आर स्पीडी रिकवरी, तुम जल्दी से ठीक हो, और ताकि तुम्हारे अंदर सॉफ्ट कॉर्नर आए हर जिंदा व्यक्ति या फिर क्रिएचर पर इस अर्थ पर, स्टे स्ट्रॉन्ग। जी हाँ, ये दुआ से कम तो बद्दुआ लग रही थी। खैर, इसके अलावा कई काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, जहाँ उन कमेंट्स में सोनाली के लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं ही हैं। आप ये कमेंट्स हमारे इन रिपोर्ट में भी देख पा रहे होंगे। सोनाली बेंद्रे के कैंसर से जुड़ी जहां तमाम खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं इसके अलावा सोनाली बेंद्रे और पति गोल्डी से जुड़ी एक और खबर सामने आई, और साथ ही कुछ तस्वीरें सामने आई जिसने सभी को हैरत में डाला। आपको बता दें कि कई खास मौकों पर दोनों को साथ में देखा जा चुका है, और दोनों की कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं जहाँ दोनों ड्रंक दिखाई दिए हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें आप हमारे इस रिपोर्ट में देख पा रहे होंगे। इसके अलावा आपको बता दें चलें कि सोनाली बेंद्रे की ये जो तस्वीरें हैं ये काफ़ी पुरानी हैं, और इनका
कैंसर से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन इसके अलावा जिस तरीके से इनकी ये तस्वीरें सामने आई हैं, तो वहीं एक वीडियो भी आप हमारी इस रिपोर्ट में देख पा रहे होंगे जो कि सोनाली और उनके पति गोल्डी का है। जी हाँ, सोनाली के पति जहाँ लड़खड़ाते हुए दिखाई दिए थे इस वीडियो में, तो वहीं सोनाली भी उनके पीछे पीछे दिखाई दी। खैर, आपको बता दें कि सोनाली इन दिनों न्यूयॉर्क में है और अपने कैंसर का इलाज करा रही है। फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन अदाकारा सोनाली बेंद्रे से जुड़ी एक खबर ने सभी को काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचाया। जी हाँ, हम आप सभी से बात कर रहे हैं सोनाली बेंद्रे के कैंसर के बारे में, जिसकी खबर ने सभी को चौंका कर रख दिया। जी हाँ, हमारी हेडलाइन पढ़कर आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर कैंसर की लड़ाई से पहले ही सोनाली बेंद्रे कैसे जीत चुकी हैं। तो अब बात कर लेते हैं अपनी हेडलाइन के बारे में भी। दरअसल सोनाली बेंद्रे ने कैंसर के बाद से अब तक दो ही पोस्ट शेयर किए हैं। एक तो उन्होंने तब किया था, तब सोनाली को कैंसर हुआ था और उन्होंने अपने कैंसर की जानकारी सभी को दी थी। और फिर एक बीते दिन की पोस्ट किया गया सोनाली द्वारा, जहां उन्होंने खुद अपने बाल कटवाए और एक कीमो सेशन का ही हिस्सा था। खैर, इसके अलावा सोनाली ने जो पोस्ट शेयर किया था उसमें उन्होंने लिखा था कि कैसे वो कैंसर से पूरे तरीके से जंग लड़ रही हैं। उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको पता नहीं होती, जैसे कि आपके अंदर की हिम्मत। सोनाली की कैंसर से पहले की जीत है उनकी हिम्मत, क्योंकि यही हिम्मत उन्हें कैंसर से जंग लड़ने में मदद दे रही है। सोनाली बेंद्रे को जब से कैंसर हुआ है, तभी से ना जाने कितनी सारी खबरें वायरल हो रही हैं। आपको जानकारी दे दें कि आज हम आप सभी से बात करने वाले हैं कि आखिरकार अब क्या नई खबर आने लगी है सोनाली बेंद्रे को लेकर। जहां हाल ही में खबरों के अनुसार कुछ डॉक्टर्स का स्टेटमेंट आया था, जहां उन्होंने सोनाली को लापरवाह बता दिया था अपनी सेहत को लेकर। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया था कि सोनाली बेंद्रे अपने दर्द को इग्नोर करती रही, जिस वजह से उनका कैंसर इस स्टेज में आ पहुंचा। खैर, इसके अलावा गौर हो कि अब सोनाली बेंद्रे की कुछ नई तस्वीरें वायरल होने लगी हैं और साथ ही इन तस्वीरों में सोनाली बेंद्रे को ड्रंक देखा गया। दरअसल सोनाली बेंद्रे कई खास पार्टीज में ऐसे अवतार में नजर आ चुकी हैं, तो वहीं सोनाली की पति के साथ भी एक तस्वीर है जिसमें उनके हाथ में एक ग्लास भी है। जी हाँ, ऐसी ही तमाम तस्वीरें वायरल हो रही हैं जो कि आप इस वक्त हमारी इस रिपोर्ट में भी देख पा रहे होंगे। सोनाली बेंद्रे ने अपने कैंसर की खबर ट्विटर के जरिए शेयर की थी, जिससे पूरे बॉलीवुड में हलचल मच गई थी। बता दें कि सोनाली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो हेयर कट ले रही थी। माना जा रहा है कि उन्होंने ये हेयर कट कीमोथेरेपी की वजह से लिया। बता दें कि ये थेरेपी जो कैंसर की गंभीर बीमारी के दौरान मरीज को दी जाती है। सोनाली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से वीडियो शेयर किया है जिसमें वो हेयर कट ले रही है, लेकिन वो स्माइल करती हुई नजर आ रही, जिससे ये साफ पता चल रहा है कि सोनाली ने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी है। जी हाँ, वो पूरी तरह से हिम्मत से इस गंभीर बीमारी के खिलाफ जंग लड़ रही है। बल बता दें कि सोनाली की कैंसर की खबर जब से सामने आई है, तब से बॉलीवुड इंडस्ट्री और फैंस दुआएं कर रहे हैं कि सोनाली जल्द से जल्द ठीक हो जाए। दोस्तों, ये थी सोनाली बेंद्रे से जुड़ी कुछ खबरें जो कि आज भी लगातार वायरल हो रही हैं। जहां हमने बात की है पॉजिटिविटी को लेकर, तो वहीं आप और हम यही दुआएं करते हैं कि जल्द सोनाली बेंद्रे स्वस्थ हों, अपने परिवार के साथ वापस लौटें और फैंस को बड़ी सी खुशखबरी दें। खैर, खुशखबरी एक मैं भी आपको देता चलूं कि रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी खबर आई कि सोनाली के डॉक्टर ये कह रही हैं कि सोनाली जल्द ही ठीक हो जाएंगी। जी हाँ, बड़ी खुशखबरी तो है ही ये। इसके अलावा अब बात करते हैं सोनाली की रिकवरी को लेकर, जहाँ कीमो सेशन के जरिए ही उन्होंने कीमो सेशन कराने के लिए ही अपने बालों की कटिंग हाल ही में कराई है, तो वहीं उनके कैंसर के इलाज का ही हिस्सा बताया गया। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हमने बात की कि कैसे सोनाली बेंद्रे जो हैं लगातार ही अपने कुछ जो तमाम कमेंट्स किए जा रहे थे, एक नेगेटिव कमेंट दिखा दिया हमने आपको आज अपनी रिपोर्ट के जरिए, जहाँ काफ़ी ख़राब था ये कमेंट, लेकिन इसके अलावा काफ़ी दुआएं की गई सोनाली को लेकर। आपने ये भी जाना कि कैसे फेक खबरें वायरल होने लगी तमाम कुछ, और साथ ही क्या खबर थी ड्रिंक से जुड़ी भी। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल नेक्स्ट टाइम न्यूज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।